वेलकम टू जीत ब्लॉग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। और आज फिर से वेनेसडे का क्लास, कल दिखाए थे कि थोड़ा थोड़ा स्नो फॉल हो रहा था, खाना बनाते समय दिखाए थे कि मतलब थोड़ा सा स्नो जमा हुई थी, वाइटनेस आई थी। आप देखो पूरा वाइट हो गया क्योंकि स्नो फॉल हुआ है रात में पूरा जम के। और कल तक कैसा लग रहा था देखे होंगे, कल का वीडियो में नहीं देखे थे, कल का ब्लॉग जाके देखो और आज का ब्लॉग जाके देखो कि कैसा हो गया, पूरा टोटली एकदम वाइट हो गया। और इधर भी देख सकते हो मेरे पीछे सूर्य भी उदय हुआ पड़ा है, तो सूर्य की रोशनी भी देख सकते हो और नीचे स्नो भी पड़ा हुआ है। और स्नो पड़ने के बाद पूरा एकदम इसकी जो खूबसूरती होती है ना यूक्रेन की, सबसे गंदा हो जाता है, मतलब कचकच 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 हर जगह हो जाता है। तभी तो थोड़ा सा हवा भी चल रहा है, तो प्रीफर करेंगे टैक्सी, तो टैक्सी प्रीफर करेंगे बस नहीं, क्योंकि फिर वहाँ भी पैदल चलना पड़ता है ज़्यादा दूर। तो इसी वजह से अभी चलते हैं टैक्सी का वेट करते हैं, फिर चलते हैं टैक्सी से। ये टैक्सी की और अब चलते हैं। पुल करने के बाद यहाँ लेबोरेंट बैठी रहती है, वो बताएगी किधर क्लास है किधर नहीं है, उसके बाद चलते हैं यहाँ से। प्रोफेसर का रूम देखो कितना मस्त सा एकदम किए हुए, यहाँ रूम नंबर 1, क्लास 2, क्लास 3, वो ध्यान आप। और इधर है असिस्टेंट प्रोफेसर, और 4th इधर है असिस्टेंट, और इधर टॉयलेट। टॉयलेट में एक अच्छा सिस्टम है, क्या क्योंकि टॉयलेट खोलोगे ना तो लाइट ऑन करोगे तो म्यूज़िक सिस्टम है, म्यूज़िक बजता है। और यहाँ पे रूटीन,
अभी जा रहे हैं पेशेंट का चेकअप करने के लिए और मतलब डायग्नोसिस करेंगे कि सिस्टम जैसे एज यूजुअली मिलता है उसी तरह की सिस्टम मिला है। जाएंगे देखेंगे कि क्या क्या करना डायग्नोस करना पड़ेगा। तो आज मल्टी स्क्लेरोसिस है। सो गाइस यहाँ पे कैफेटेरिया है खाने होने के लिए, यहाँ पे खाना गर्म कर सकते हैं अपना खा गर्म करके। और वहाँ रिसेप्शन है खाने का, आपको जो भी खाना है यहाँ पे बना सकते हो और अंदर से ऑर्डर करके भी ले सकते हो। तो गाइस अभी ब्रेक हुआ है तो सब खाना खा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं थोड़ा सा कि कुछ स्नैक्स में ले लेते हैं। अब देखते हैं कुछ पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कैफेटेरिया और टाइमिंग यहाँ पर गाइस यहाँ देख सकते हो, कैफेटेरिया में सॉसेज ही सिर्फ है, यहाँ ब्रेड वगैरह है और उधर दही वगैरह, इधर भी चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स। गाइस अब जब भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट आओ या सेक्रेटरी की क्लास लगे तो ये चीज़ ज़रूर खाना आपको हम दिखाते हैं। अभी ये अपना ब्रिटेनिया केक वाला फील ला देगा आपको, इंडिया में जो ब्रिटेनिया केक खाते थे ना वो वाला फील ला देगा यहाँ पे। ये वाला अवश्य खाना यहाँ पे कॉर्नर में रहेगा, इधर भी रहता है। आप ये फोटो दिखा के मेरा ब्लॉग से स्क्रीन शॉट लेके आप ये मांगना, बहुत मस्त लगेगा। सो गाइज अभी फाइनली ब्रेक ख़त्म हो गया और ब्रेक ख़त्म होने के बाद मतलब अभी 5 मिनट बचा हुआ है तो बाहर वेट करना पड़ रहा है क्योंकि मैम को भी पर्सनल स्पेस चाहिए ना, तो इसकी वजह से। और वो ब्रिटेनिया वाला केक का है, टेस्ट अच्छा लगा और 27 ग्रेवियन उसकी प्राइस है, तो आप ले सकते हो। मतलब अगर कभी भी नहीं लाते हो बेसिकली तो आप घर से ही लाया करो, कुछ नोवोस वोस से खरीद लिया करो और बैग में रखा करो, उसके बाद फिर वहाँ से बैग में डाल के डेली ले आया करो, क्योंकि यहाँ कैफेटेरिया होगा तो ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर बाई चांस भूल जाते हो तो यहाँ भी ले सकते हो, कोई बात नहीं पड़ता, 2-3 ग्रेवी एक्स्ट्रा पड़ता है, तो जिसको भी मतलब पैसा बचाना हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो अभी वेट कर रहे हैं बाहर और फिर अंदर जाके देखेंगे, क्लास पूछेगी या टास्क देगी लिखना, दोनों में से कोई एक काम करेंगे, देखते हैं अभी करते हैं फिलहाल। सो गाइस यहाँ पे देखो एक मस्त सी पक्षी है, आर्टिफिशियल पक्षी, आपको लग रहा होगा क्या कि मतलब पूरा ओरिजिनल पक्षी है, देखने से एकदम पूरा एंटिक सा पक्षी लग रहा है, मतलब एकदम सचमुच में। पहले देखे हमें लगा कि सचमुच में यहाँ पर एक पक्षी है, लेकिन तब पता चला कि ये आर्टिफिशियल वाला है, पेड़ पे लगा के लटका के रखे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस अभी क्लास ख़त्म हो गया। एक न्यूरोलॉजी में एक चीज़ है क्या कि आपकी क्लासेस ख़त्म होगी तभी जाने मिलेगा, मतलब ये नहीं कि टाइम बिफोर सोच लोगे कि किसी दिन भी निकल जाए, तो ये नहीं, एकदम वहाँ पे लेबोरेटरियन बैठी रहती है तो वो नहीं जाने देगी और ऊपर से टीचर भी नहीं जाने देंगे, दोनों मतलब 3 बजेगा तभी गेट खुलेगा, भले उससे 10 मिनट पहले कभी काल अगर मतलब हुआ तो छोड़ेगी, नहीं तो नहीं। हमेशा यही रहता है क्या कि क्लास में बोलेगी क्या कि टाइम पे ही छोड़ेंगे। तो आज क्लास ख़त्म हो गया, अब चलते हैं बस पकड़ के घर। तो गाइस क्लास से आने के बाद यहाँ अंडा खरीदने आ गए, देख सकते हो अंडा का प्राइस, तो अंडा बकरी बनेगा आज। टमाटर का देख सकते हो प्राइस यहाँ 79 का है, उधर 139 का, उधर 199 का है और उधर 149 का, कितने महंगे भाई। आज आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे है क्या कि ये जो मैं खाना बनाया हूँ अब गेस करके बताओ ये क्या है, जो सही गेस करेगा उसका कमेंट को पिन करूँगा मैं, तो आप कमेंट करके बताओ। ये तो बता दोगे कि चोखा है, ये अंडा फ्राई है, बट ये बताओ क्या है। ये मेरा जो ब्लॉग देखे होंगे लोकल मार्केट वाला ब्लॉग, तो उसमें बताए थे इसके बारे में क्या है, तो नहीं देखे हो तो लोकल मार्केट वाले वीडियो से पता चल जाएगा। और लोकल मार्केट वाला वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है यहाँ का लोकल मार्केट के बारे में, कि यूक्रेन का लोकल मार्केट कैसा होता है, कैसे सब्जी उब्जी बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, सारा चीज़। तो आप अभी इसी वजह से मैं इसमें फेस नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं ग्रेन्स दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, आप बताओ कौन सा है, ये चावल है कि क्या है, दूसरा चीज़। मतलब ऑलमोस्ट ये मैं अपने जीवन में अब तक पहली बार खाने जा रहा हूँ, अभी तक कभी नहीं खाया था, आज फर्स्ट डे मैं खाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। जीत ब्लॉग्स और अपडेट रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी यूक्रेन की अपडेट्स मिलेगी या अब्रॉड MBBS रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो तब तक के लिए बाय, यहीं तक आज मेरा वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। व्यू देना तो भूल ही गए थे कि कैसा लगा टेस्ट, टेस्ट जानते हैं मतलब बहुत फीका सा लग रहा था और उसके साथ क्या जितना दाल एकदम मस्त वाला होना चाहिए, सब्जी मस्त वाला होना चाहिए कि मतलब थोड़ा मसालेदार और झालदार टाइप का, तब वो चीज़ ठीक लगेगा, नहीं तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, एकदम अजीब सा लगेगा खाने में। तो इसी वजह से मैंने अंडा फ्राई करके चोखा रखा था,
चोखा में मसाला वसाला अच्छा था, तो इसके वजह से वो चीज़ अच्छा लगा। और वो हेल्दी होता है और प्रोटीनियस भी होता है, चावल से अच्छा होता है, तो इसी वजह से चावल से खा खा के तो पेट निकल रहा है, तो इसी वजह से सोचे कि वो ट्राई करते, आदत लगाते, एक पैकेट अगर ख़त्म हो जाएगा ईजिली तो फिर दोबारा दूसरा पैकेट लाएंगे, नहीं तो यही अगर टाइम लग गया ख़त्म करने में तो फिर अवॉइड कर देंगे, खाएंगे ही नहीं इसके वजह से, क्योंकि टेस्ट मैटर करता है यार, पेट वेट तो कभी भी अंदर हो जाएगा, निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट मैटर्स, तो इसी वजह से। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।